मल्टीपल फॉर्मूला कंसेप्ट में, मल्टीपल फॉर्मूला कंसेप्ट में हम आपके साथ आज डिस्कस करने जा रहे हैं एक छोटी सी प्रॉब्लम एंड उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो उस प्रॉब्लम क्या है, चीज को जानते हैं। तो मेरे पास एक डेटा है, मैं यहां पे नेम दे देता हूं, नेम वाइज डेटा। और यहां पे मैं मंथ दे देता हूं, जैसे जैन फेब मार्च इस तरह से। और यहां पे हम टोटल दे देते हैं पूजा, और यहां हम फॉर्मूला यहां पे रैंक बिटवीन को फॉर्मूला लगाते हैं और कुछ रैंडम लेते हैं, लेबल लेते हैं। कॉपी करते हैं आप, प्लीज म्यूट कर लीजिए बैकग्राउंड ना। अब मुझे इस पे क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि मुझे नेम और यहां मंथ का टोटल चाहिए जाए, यहां पे हम पूजा देते हैं राइट। तो यहां पे हम वी लुकअप और मैच इंडेक्स या एक्स लुकअप वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन यहां पे क्या है कि मुझे यहां पे सिर्फ जैन का टोटल नहीं चाहिए, मुझे यहां पे क्वार्टर का टोटल चाहिए, क्वार्टर वन का टोटल चाहिए। तो क्वार्टर वन का टोटल कैसे यहां पे लाएंगे, क्योंकि जैन फेब मार्च तीनों के इकट्ठा टोटल करना है। अब इसके भी फॉर्मूला नहीं है, फिर भी हम यहाँ पे फॉर्मूला क्रिएट करेंगे। कैसे, देखिए अब बोलेंगे सर फॉर्मूला क्रिएट करेंगे, लेकिन फॉर्मूला क्रिएशन तो वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग के साथ होती है, विदाउट वीवीए कैसे करेंगे। हम विदाउट वीवीए भी इसकी फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। ओके तो सबसे पहले यहां पे हम चूज का फॉर्मूला लगाते हैं, चूज। और चूज फॉर्मूले में मैं क्या करता हूं कि यहां पे हम इंडेक्स नंबर लेते हैं और यहां पे देते हैं कि अगर वन हो, हमें यहां पे हर क्वार्टर का फर्स्ट मंथ निकालना है जैन, फिर यहां पे हमने दे दिया अप्रैल, जी मैं रिकॉर्डिंग की परमिशन दे दी है, रिकॉर्डिंग शुरू कर ले। अप्रैल और इसके बाद हमने यहां पे दे दिया अप्रैल के बाद जुलाई, नहीं जुलाई के बाद हम देते हैं अक्टूबर। तो हमने फर्स्ट मंथ दे, चूज फॉर्मूला क्या करता है कि अगर आपका वन आया तो जैन, टू आया तो अप्रैल, थ्री आया तो जुलाई और फोर आया तो मार्च को देता है राइट। तो यहां टू करूंगा तो अप्रैल, थ्री करूंगा तो मैं इस तरह से होगा तो वन ही रखता हूं। फिर यहां पे मैं मैच का फॉर्मूला लगाता हूं, यहां इक्वल हम मैच का फॉर्मूला लगाते हैं, हम इसको सिलेक्ट करते हैं कॉपी और एक पूरे एरिया को सिलेक्ट करते हैं। क्या हुआ कि इसने बताया कि जैन का कॉलम कौन सा है, और सेम वापस हम मैच लगाते हैं यहां पे मैच, और हम बोलते हैं कि यहां पे हमने सिलेक्ट कर लिया इसको कॉमा, इसने बता दिया रो। तो मेरा डेटा स्टार्टिंग कहां से है, तो स्टार्टिंग है दूसरे नंबर रो और दूसरे नंबर कॉलम से। तो मुझे इसकी एड्रेस बनाना है, तो यहां पे मैं एड्रेस का फॉर्मूला लूंगा। एड्रेस फॉर्मूला में रो नंबर एंड कॉलम नंबर को नंबर में लिखने पे इसका रिजल्ट अब आता है, जैसे कि एक मिनट मैं गलत कर दिया, इसका रिजल्ट आएगा A1 B1 C1 में। और फिर वापस यहीं पे मैं एक और एड्रेस का फॉर्मूला लगाता हूं और मैं यहां इसको सॉरी
इसको सेलेक्ट किया रोल नंबर को, एंड कॉलम नंबर में मैं प्लस टू कर देता हूँ। तो इससे हो जाएगा कि बी टू से डी टू, देखिए बी टू से डी टू। लेकिन जब हम सम करते हैं तो एड्रेस कुछ इस तरह से होता है, तो यहां पे भी ऐसा करना चाहिए। तो मैं यहां पे सम के अंदर डालने से पहले इन दोनों को कॉनकेटेनेट करता हूं कि बी टू और फिर सेमी कॉलन और फिर यहां पे ड्यूटी, और फिर इसको सम के अंदर डालेंगे तो डायरेक्ट नहीं लेगा, वही प्रॉब्लम, क्योंकि हमें इसको इनडायरेक्ट के अंदर डालना होगा। तो यहां हमने इनडायरेक्ट के अंदर डाला, इसको यहां पे डाला और इसको सिलेक्ट कर लिया, तो सम आ गया। तो क्वार्टर वन का 172 है, क्वार्टर टू का करूं तो 130 है, क्वार्टर थ्री का करूं तो 160 है। लेकिन मुझे इसको एक सेल में चाहिए, तो वही हमारा पुराना फॉर्मूला मर्जिंग मेथड। तो जहां जहां डी 12 है वहां वहां हम इसको पेस्ट कर देते हैं। यहां भी डी 12 है, पेस्ट कर दिया, और यहां भी डी 12 है, पेस्ट कर दिया। लेकिन डी 12 से पहले मैं चूज भी करना चाहिए था, कंट्रोल जेड कीजिए, यहां पर सबसे पहले चूज को लेना पड़ेगा ना, मैं चूज को लिया और यहां इसमें पेस्ट कर दिया सी 12 का। अब मैच को उठाऊंगा और जहां जहां डी 12 है वहां वहां हम यहां पे इसको पेस्ट कर देंगे, और यहां भी डी 12 है तो यहां भी इसको पेस्ट कर दिया। इस मैच की फॉर्मूले की मैं उठाऊंगा और यहां बी 13 है तो बी 13 को पेस्ट कर दिया, और यहां भी बी 13 है तो यहां भी बी 13 के जगह पे पेस्ट कर दिया। और फिर हम इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद यहां सी 13 में इसको पेस्ट कर देते हैं और इसको वापस उठाते हैं और वापस इसको डी 13 पे पेस्ट कर देते हैं। अभी सारे फॉर्मूले को मैं उठाता हूं यहां इनडायरेक्ट में ई 13 के जगह पे, ई 13 के जगह पे इसको पेस्ट कर देता हूं। फाइनल रिजल्ट निकल गया, इसको कट किया, यहां पे पेस्ट किया, बाकी जमीरे को डिलीट किया, हो गया। अब नाम चेंज करूं, यहां पे नीतू करूं तो नीतू हो जाएगा, तो नीतू नहीं है, ओम कर देता हूं। अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है कि वीवी प्रोग्रामिंग के जरिए जब हम बनाएंगे तो वहां पे तो सिंपल होगा क्या, वहां पे तो सिंपल होगा, बट यहां तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर कुछ यूजर को इतना दिखा दूंगा तो वो तो उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी ना सर। समझ में आया, डाउट आप लोगों को सर? तो कैसे करें इसमें हम, तो उसके लिए हम, क्योंकि हम फॉर्मूला यहां पे कंपेयर कर रहे हैं कि वीवी में जो कर सकते हो वो एक्सेल में भी कर सके, ऐसा कुछ। इसके लिए क्या करेंगे, चलिए हम बताते हैं आपको। तो इन सो फॉर्मूले को सबसे पहले तो हम मर्ज कर ए करेंगे, क्या बोलते हैं, डॉलर साइन लगाएंगे, जैसे ए 8 से ए 8 है, इसको डॉलर साइन लगा देता हूं। उसके बाद यहां बी 12 तो रहेगा ही रहेगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं, यहां भी ए 8 से ए 8, और ये भी 1/1 का जो है उसको कर देता हूँ, यहाँ भी 1/1 है, इसको एक बार करना पड़ेगा, ठीक है, ये इसको याद से कर लीजिएगा, ओके, ये 13 कोई दिक्कत नहीं करेगा। उसके बाद इस पूरे फॉर्मूले को कॉपी कीजिए,
क्लिक करने के बाद मैं यहाँ डेटा में जाता हूँ, डिफाइन नेम, तो डेटा में नहीं फॉर्मूला में होता है ना, डिफाइन नेम, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ Q1 कर देता हूँ नाम इसका, ये Q1 तो रेफरेंस हो जाता है, की यू कर देता हूँ, क्या हो गया क्यू के नाम सेव हो गया, और इसमें हम अपना फॉर्मूला को पेस्ट करके टिक का निशान लगाते हैं। अब यहाँ जो हमने सम का फॉर्मूला लगाया उसके जगह पे जस्ट क्यू को टाइप कीजिए और एंटर मार दीजिए, रिजल्ट आपके सामने, समझे? इजी समझ में आया कि समझ आया जो आपको? तो आप ऐसे बड़ी बड़ी फॉर्मूले को क्रिएट कर सकते हो, ऐसे फॉर्मूले को आप डाल सकते हो डिफाइन नेम के अंदर, और फिर जहां उसको अप्लाई करना उसको अप्लाई कर दो। लेकिन थोड़ा सा इसकी भी एक लिमिटेशंस है सर, जो आपको यूज करते करते पता चल जाएगा। अब वापस चलते हैं एक और मेथड की तरफ। वीर सिंह जी आपने ज्वाइन किया, लेट हो गया, नहीं कल पूजा वगैरह घर में थी ना, उसने क्लास नहीं ले पाया था, बट आज तो बैग था वापस था। ओके, तो एक छोटा सा डेटा हम यहाँ पे लेते हैं, और यहाँ पे हम अपनी एक डेटा लिया, और यहाँ हम ये कर लेते हैं, एक बहुत बड़ा डेटा है आप समझ लीजिए। अब मुझे इस डेटा को एक छोटे से एरिए में शो करना है, मतलब कि यहां पे कितने देखना, उसको डबल क्लिक कर लेता हूं, बोलेंगे सर कि एक कैसे पॉसिबल है इतना बड़ा डेटा और इतने एरिया में कैसे फिट होगा, वो विजुअल क्या चैलेंज है ना सर, क्या वीर सिंह चैलेंज लग रहा है ना आपको? ये तो वही हमारी बात होगी कि हाथी को क्या बोलते हैं, एक बोतल के अंदर फिल करना क्या। तो चलिए कंसेप्ट को समझते हैं। आप जो भी डेटा दिख रहा है आपने देख कितने रहे हैं, 22 ही देख रहे हैं ना क्या सर, डेटा तो आप 22 ही देख रहे हैं ना। जब मैं यह स्क्रॉल क्लिक करता हूं तो आपको यहां पे 2 से लेकर 23 तक दिख रहा है, 22 ही डेटा दिखा वन टाइम में, लेकिन ऊपर वाला डेटा ये आपका स्क्रॉल हो गया और नीचे वाला विजुअल हो गया, यही हो रहा है। तो सेम चीज हम यहाँ पे भी अप्लीकेबल करेंगे। यहाँ हम क्या करेंगे, अपने डेवलपर टैब में जाएंगे और यहाँ हमारे सामने है स्क्रॉल बार, इस स्क्रॉल बार को लेंगे नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, क्या आ गया स्क्रॉल सर, थोड़ा सा पतला करना है पतला कर लीजिए, अब चौड़ा चौड़ा करना चौड़ा कर लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब जब मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा, फॉर्मेट कंट्रोल करूंगा, ओके मैंने आई थिंक गलत ले लिया, माफ कीजिएगा मेरी गलती है, हमें लेना था ए यहां पर, क्योंकि इस पे तो वीवी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, तो ए लेना है हमें, तो हमने यहां पे इसको लिया और यहां सेलेक्ट कर लिया और थोड़ा सा इसको छोटा कर दिया। अब मैं इसे राइट क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट कंट्रोल में जाता हूँ, तो सबसे लास्ट में आएगा कंट्रोल। कंट्रोल में दो चीजें, करंट वैल्यू 0, मिनिमम वैल्यू हमने बोला 0, मैक्सिमम वैल्यू 100, यहाँ पे 100 नहीं देना है, यहाँ पे आपको चेक करना है
कि आपका डेटा टोटल है कितना, टोटल कितना है 75, और आपके सामने कितने रो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 75 में से 8 को माइनस कीजिए, कितना होगा सर? सिक्सटी सेवन होगा। और एक क्लिक पे एक ही चेंज होगा, और जो चेंज होगा उसको यहां मान लीजिए शो करेगा। तो इसे क्या होगा कि जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहां नंबर दिखेगा, जैसे इस कॉल के लिए नंबर बढ़ेगा, बढ़ रहा है ना सर, बढ़ेगा घटेगा? अब इसी का फायदा हम उठाएंगे। तो यहां पे हम जीरो करेंगे पहले, तो यहां पे देते हैं ऑफसेट का फॉर्मूला। ऑफसेट हम यहां से सेलेक्ट किया और हमने बोला कि जीरो से शुरू करो, तो यहां मंथ यहां से शुरू करेंगे, क्योंकि जीरो है तो यहां करना पड़ेगा, वन होगा तो नीचे से करना पड़ता है। नहीं नहीं नहीं, यहां पे नहीं, यहां से शुरू करना पड़ेगा और यहां जीरो के जगह पे वन करना पड़ेगा, मिनिमम वैल्यू। यहां पे मुझे देना है ऑफसेट का फॉर्मूला। ऑफसेट डेटा के स्टार्टिंग पोजीशन को सिलेक्ट किया और हमने बोला कि एक रो उतना रो नीचे आएगा और हमारा जीरो कॉलम, और हमारा L22 हमारा फिक्स होगा और इसका वन फिक्स होगा, कॉलम छोड़ देते हैं और इसमें हम आगे की तरफ ट्रैक कर देते हैं। सेम फॉर्मूला हमें सब में लगाना पड़ेगा, ओके, सेम फॉर्मूला हमें सब में लगाना पड़ेगा। बस इसमें अंतर क्या है कि मुझे इसमें L के बाद यहां पे प्लस वन करना है, यहां पे प्लस टू करना है, प्लस थ्री करना है, प्लस फोर करना है। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि सर आप तो प्लस वन कर रहे हैं, चलो यहाँ पे छोटा है व्यू है, लेकिन मेरे पास अगर 25, 30, 40 या 100 का व्यू बनाना हुआ तो ये तो प्लस करने में काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। तो क्या उसका सलूशन है? जी हाँ, इसका सलूशन है। आप इसमें, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है रो का फॉर्मूला क्या करता है कि आपको रो नंबर देता है, जिस सेल में आप लगाते हैं उस सेल का रो नंबर यहाँ शो करता है। मैं इसमें कर दूं 2 माइनस 2 तो 0 से लेके A1 तक की गिनती दे देगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसी पे कर देंगे प्लस रो ब्रैकेट ओपन क्लोज माइनस 2, ठीक है, और फिर हम इसको यहां भी कर देते हैं और पूरे में ड्रैग करते हैं और फिर नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। अब देखिए, जैसे मैं क्लिक करूंगा यहां हो जाएगा 2, ठीक है सर। अगर मैं इसको नीचे की तरफ लाऊं तो नीचे की तरफ वैल्यू आएगा, ऊपर की तरफ ले जाऊं तो ऊपर की तरफ वैल्यू आएगा। तो इसका यूज आप लोग डैशबोर्ड में कर सकते हैं, जहां पे बहुत बड़े डेटा को शो करना हो वहां पे इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। किसी को समझ में नहीं आया ऐसा क्वेश्चन है? हेलो प्रकाश जी, सिंपल सा यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पे जीरो हमने रो का फॉर्मूला लगाया और जीरो से लेके एक साथ तक गिनती कर लिया। हाँ, माइनस टू इसलिए किया क्योंकि रो हम जिस सेल में लगाते हैं उस सेल का नंबर देता है, तो हमने 2 दिया तो हमने 2 माइनस कर दिया, ठीक है। और कोई डाउट है?
चले, तो इसका यूज आप लोग करके देखिएगा, राइट। इसमें एक चीज और है कि मान लीजिए मुझे नेक्स्ट और प्रीवियस रिकॉर्ड देखना हो, ये तो स्कॉल है ही, लेकिन मुझे नेक्स्ट प्रीवियस करना हो तो यहाँ आपके सामने ये स्पाइन बटन होता है, उसको लीजिए और आप यहाँ पे ड्रैग कर दीजिए। मैं मान लीजिए यहीं पे कर लेता हूँ। अब इसको भी आपको कंट्रोल पैनल में जाके पहले एक सेट करना होगा, तो मैं राइट क्लिक किया, फॉर्मेट कंट्रोल में गया और यहाँ मिनिमम वैल्यू 0 नहीं 1 कर देता हूँ, मैक्सिमम यहाँ पे 67 और लिंक हम इसको कर देते हैं यहाँ से एंड ओके। तो अब मैं ऊपर की तरफ जाऊँगा तो नंबर बढ़ेगा, नीचे की तरफ आऊँगा तो घटेगा, राइट सर। और ये काम हम चार्ट्स पे भी कर सकते हैं, राइट। क्या अगर मान लीजिए हमने यहां से एक चार्ट हमने लिया इंसर्ट और यहां पे हमने इसको अप्लाई कर दिया, सॉरी ये गलत हो गया, ठीक है। अब यहां पे मैं स्पाइन बटन करता हूं, दिख रहा है सर, इसका यूज कर सकते हैं। तो ये फाइल में भेज दूं आप लोगों को, क्या हो गया,